मंजुल स्थित खड्डी चौक के सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह का बड़ा दिलचस्प मामला है। पैसों के लिए साहब इस कदर गिर सकते हैं कि इन्हें अपनी वर्दी की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। इनके इस कृत्य से जहां आम जनता की नज़र में पुलिस की छवि बिगड़ी है, तो वहीं अपने अधीनस्थ कर्मचारी के प्रति ऐसा रवैया सोचने पर विवश करता है कि क्या पैसे के लिए कोई इतना भी गिर सकता है। मामला मंजौली जिले में अवैध रेत के परिवहन से होने वाली आय से जुड़ा है। मंजौली स्थित खड़ी चौक के सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह के संरक्षण में अवैध रेत का खनन एवं शराब का विक्रय बेखौफ हो रहा था। जब एसआई गौरव नेमा की पोस्टिंग उप थाने में होती है और उस तरह के अवैध कारोबार होता देखते हैं, तो उनके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। कार्यवाही होने से सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की अवैध आय रुक जाती है, जिससे बेखौफ का रेत माफिया एवं अवैध शराब व्यवसायी से मिलकर सब इंस्पेक्टर नेता को हटाने की साजिश रची जाती है। साजिश के तहत रामपुर से 10,000 रुपए में दलाल को एक खड़ी चौक में काम कर रहे मजदूर को 700 रुपए से बनाया जाता है। तुमको सब इंस्पेक्टर नेमा का विरोध करना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए नारा लगवाकर वीडियो बनाया जाता है। जब हमारे पत्रकार ने इस पूरे मामले की जांच की तो मजदूरों ने सच उगल दिया। मजदूरों का कहना था कि हमको पैसों के लालच में उक्त कार्य करने को सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह के द्वारा कहा गया। अब देखना यह है कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। सिंह ले आए हैं, 10 लेबर थे उनके पास, वो अपना सब नारा वारा बाजी वो लोग किए हैं, हम नाराबाजी और नहीं किए हैं, बस उतना है। क्या बताएं हैं? क्या हुआ था उस दिन, पूरा डिटेल्स में बताएं। डिटेल कुछ नहीं हुआ, हम गए थे सीमेंट लेने, तो हमको ये जबरदस्ती प्रेशर दे के परिहार जो थे मुंशी, कौन से परिहार मुंशी, क्या नाम है उसका, राजकुमार मुंशी जी, क्या बोले आपको? यही बोले कि आओ बघेल यहाँ पे, तो हम चले गए भाई, वहीं हम सीमेंट लेने ही गए थे, तो फिर वो अपने हिसाब से, वो पहले वो सिविल में थे, बैठे थे वहीं, फिर गए तो वर्दी पहन के आए, फिर ये सब बवाल। क्या हुआ था बताएं, पूरा डिटेल बताइए क्या हुआ था। यही बवाल किया गया कि जो हम वर्दी पहन के पहले आओ, पहले तो सिविल में से, फिर वहां से वर्दी पहन के आए, फिर इसके बाद ये पूरा नाराबाजी हुई जो हो किया गया कि वो किए। इसमें सच्चाई सच क्या है? सच सर हम क्या बताएं, बताइए। नहीं सच क्या है इसमें, गौरव नेमा वास्तविकता में ऐसा किए? गौरव नेमा नहीं है ऐसे, हम बोल रहे हैं गौरव नेमा ऐसे नहीं है, नहीं है बस। यहाँ आए हैं जब से, तो हमारा पूरा वैधिक कारोबार बंद किए हैं। अच्छा, पूरे आपके इलाके का अवैध कारोबार बंद किए हैं? किए हैं, बहुत अच्छा। अच्छा किए हैं, अच्छा किए। इसका साजिश करता कौन है ये सब करवाने का? राजकुमार मुंशी राजपाल है। सारे वही टसल के उतर गए, जब बाद में जान तब न जाने के हाँ आपका है, अब का कही ओखा कहीं काल सकी थे। तो मुंशी वगैरह सब बैठ रहे हैं ना? हाँ मुंशी जी उनके बैठ रहे हैं, कोनो बात नहीं, झूठ कहे बोला, मुंशी जी वहीं बैठे थे। कुल मिला के इसका साजिश करता मुंशी थे, है ना? अब ये बात हम देखी, जहाँ बात जितनी है उतनी बात जानी थी, जो अपनों से बता दें, जितनी जून कहें उतनी जून बता दें। धीरेन जैसे हम बात या हमारा तुम्हारा बात हुआ कि भाई ये का हो गया, हम तत्काल बताएं कि ऐसा ऐसा बात ही सर, हम पंचे आए उठे वास्तव में ये बात सही है, देखी झूठ वूठ नहीं बोली, हम 700 रुपये खर्चे के दारू वारू नहीं पी हाली उला मुझ संग पीले हम जरूर गरज कर ही लेकर साथ है, तो जो मैं बोल दिया ना, वो कब गलती तो कहीं नहीं, क्या करियो बात तो मिला के इधर जो भी आप बोले तो उसमें कोई वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई भाई सर हम आज अभी न पहचानते, हम बताए ना पहले अपना से कि हम आज तक दिखे नहीं आए, तो हम बोल अब का ही कौन बात यार, अपने आप माँ सोची तो बाद में तो आखिर सोचे ना, जब जान ज्ञान किया मैं भा तो अपने आप मलाक देखी, जहाँ बात सही सही हमसे उसे कौन होगा नहीं। गजब है यार, आप तो लोग जिस दिन आप आंदोलन कर रहे थे खड्डी चौकी बचाओ गौरव नेमा हटाओ जी, उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या थी, हकीकत आप हमें डिटेल्स में बताएं। गए थे सीधे से रिटर्न आ रहे थे अपने गाँव, तो वहाँ ये लोग सब भीड़ लगाए थे, एक मुंशी थे लगता है, नाम मुझे मालूम अच्छा नहीं है, राजकुमार मुंशी द्वारा ये पूछा जा गया कि गौरव नेमा को हटाने के लिए बोलो कि रेता चालू रहता है, दारू बिजता है यहाँ गली गली में, तो ना तो यहाँ दारू बिजता है ना तो रेता चालू है। आपको किसने बोला था ये सब करने के लिए? हमको राजकुमार मुंशी द्वारा बोला गया। राजकुमार मुंशी द्वारा आपको बोला जा रहा था कि राजकुमार मुंशी क्या बोल रहा है? राजकुमार मुंशी आपसे बोल रहे थे कि बोलो कि रेता चलता है और दारू चलता है रेता चलता है जी। क्या आपके द्वारा या आपके किसी मित्र के द्वारा गौरव नेमा का कोई लेना देना है,
किसी तरह के पैसा रुपया आपकी गाड़ी का भी ऐसा कुछ? जानते भी नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है पुलिस वालों से। आप लोग जानते ही नहीं है गौरव ने मैं है कौन? ये तो जानते हैं लगता है, थाना प्रभारी जी आए हैं। थाना प्रभारी जी आए हैं बस, राजकुमार मुंशी, राजकुमार सिंह जो मुंशी जी हैं उनके कहने पे आपने सब ये किया? जी 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 सर। गौरव बोल रहे थे कि मतलब ऐसा ऐसा कहो। अच्छा, गौरव नेमा का खड्डी चौकी पदस्थापना के बाद की सच्चाई क्या है, क्या क्या धंधे चलते थे और क्या बंद?